Hi guys, this is Madhula and I hope you all are doing good. So I guess it's been 7 days, good 7 days, ठीक है? And you and I have been together in this crusade जहाँ पे हमने 7 दिन तक 7 different chapters के most probable MCQs of psychology discuss किए हैं, ठीक है? And today I am back again, ठीक है? With the 8th chapter of psychology. That says psychology and life, ठीक है? तो इस chapter का नाम है psychology and life. I know to all the CBSE students, you know, ये वाले chapter, even 7 chapter में से, there are a lot of things which are cancelled out, ठीक है? बहुत सारी कुछ तो chapter ही cancelled out है, right? मगर हमें see both the chapters, especially the chapter 8th and the chapter 9, ये छोटे chapters हैं. ठीक है, बट स्टिल इसमें से आपके सीयूईटी में आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं. ओके, सो इसीलिए वी हैव टू डू द चैप्टर एंड वी हैव टू डू द एमसीक्यूज, राइट? तो वेरी क्विकली लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है? जो कि बोलता है द डैश पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट द फिजिकल एनवायरमेंट, वापस से इतने दिन से मैं कह रही हूं, वापस से आज बोलूंगी, कीवर्ड्स मार्क कीजिए, ठीक है? कीवर्ड्स मार्क करेंगे, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा, राइट? सो डैश पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट फॉर यूज बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर कंफर्ट एंड द वेल बीइंग, ठीक है? अभी ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, छोटा सा चैप्टर है मगर उसमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव की बहुत बात हुई है, ठीक है? तो द आंसर फॉर दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट फॉर यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर कंफर्ट एंड वेल बीइंग, ठीक है? जहां पे वो अपना फुल पोटेंशियल अपना पाए, राइट? मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? अग्रेशन, हाँ, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव टेंडेंसी के हो रहे हैं, ठीक है? और वायलेंस क्या होता है? तो जो वायलेंस होता है वही इन यू नो आप इंडल्ज हो गए. आप किस में इंडल्ज हो गए? टुवर्ड्स अनादर पर्सन और ऑब्जेक्ट, फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. फोर्सफुल गुस्से वाला बिहेवियर तो अग्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, मगर फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या होगा? दैट इज वायलेंस. तो वायलेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है? जहां पे आप किसी को मार भी सकते हो, राइट? दैट्स व्हाई फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. नाउ एन इमोशनल स्टेट दैट अराइजेस व्हेन अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग अ गोल और अटेनिंग एन ऑब्जेक्ट दैट ही और शी वॉन्ट्स, ठीक है? अ फोर्सफुल स्टेट और इमोशनल स्टेट, ठीक है, कि ऐसी इमोशनल स्टेट जहां पे एक इंसान अपने गोल को गोल पे पहुंच नहीं पाता, ठीक है? तो जब वो उसके गोल पे पहुंच नहीं पाता तो देखो गुस्सा तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, मगर गुस्से से ज्यादा पता है वो अंदर ही अंदर है ना बहुत ज्यादा ना परेशान होता रहेगा, और वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन. नहीं, डिप्रेशन इज अ बिग टर्म, ओके? गुस्सा भी आएगा, अग्रेशन भी होगा, मगर वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट? सो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, यू वर इंटरव्यूड बाय योर स्कूल सिलेक्शन टीम फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय और हेड गर्ल, ठीक है? अब आइडेंटिफाई द इंटरपर्सनल डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन. तो आपका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, यू वर इंटरव्यूड बाय होम, यू वर इंटरव्यूड बाय योर स्कूल सिलेक्शन टीम, ठीक है, बाय योर स्कूल सिलेक्शन टीम फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय और हेड गर्ल. तो इसमें इंटीमेट डिस्टेंस तो आएगा नहीं, इतना पास में बैठ के एकदम यू नो अच्छे से पास में बैठ के मस्त दोस्ती यारी की बात तो हुई नहीं होगी, तो वो इंटीमेट डिस्टेंस तो हुआ नहीं, ठीक है? पर्सनल डिस्टेंस भी नहीं हुआ. वो सोशल डिस्टेंस तब होता जब आप है ना आप स्पीच दे रहे होते, ठीक है, आपके स्टेज पे खड़े होकर आप स्पीच दे रहे होते या एमओसी कर रहे होते, तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक डिस्टेंस, ठीक है? देयर वर पीपल, यू वर ऑन अ डिस्टेंस, प्रोबेबली दे माइट बी यू नो ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, यू माइट बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, और एक आपका प्रॉपर यू नो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो इसीलिए पब्लिक डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर. नाउ यू आर टॉकिंग टू अ वेरी गुड फ्रेंड, टू योर वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है? तो आइडेंटिफाई द इंटरपर्सनल डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
प्रॉबेबली यू नो सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, यू वर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो वो थोड़ा सा एक यू नो आई कैन से एक ऑथेंटिक सा कॉन्वर्सेशन, जिसमें मतलब थोड़े आप ऑकवर्ड भी फील करोगे, वियर्ड भी फील करोगे, आपको लग रहा होगा यार क्या, तो प्रोफेशनल टाइप की चीज होगी, तो इसीलिए पब्लिक कॉन्वर्सेशन, तो पब्लिक डिस्टेंस हो गया. अब वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड से सोशल डिस्टेंस तो होगा नहीं, है ना, सोशल डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, पब्लिक डिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसे बैठ के, यूं बैठ के तो बात करोगे नहीं दोस्त से कि यार ऐसे ऐसे हाथ बांध के और यू नो बिल्कुल एकदम इन योर बेस्ट सेंस ऐसे बैठ के तो बात करोगे नहीं दोस्त से, राइट. इंटीमेट डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल. इंटीमेट डिस्टेंस हैपेंस बिटवीन यू नो बेसिकली द स्पाउस, द रिलेशनशिप्स लाइक दैट. अभी पब्लिक डिस्टेंस नहीं, द बेस्ट बेस्ट आंसर फॉर दिस इज द पर्सनल डिस्टेंस, ठीक है, a very good friend, close friend, that is personal distance is the correct answer for this. Now, identify the first step as a treatment towards psychological disorders. The first step towards treatment of the psychological disorders, ठीक है? Counseling तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, ठीक है? Psychiatric help तब आता है जब therapist नाम करना बंद कर देती है, तो ये भी नहीं. रिहैब भी नहीं, रिहैब इज नॉट द करेक्ट आंसर. प्रोवाइडिंग मटीरियल रिलीफ, जस्ट लिसनिंग टू द पर्सन, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट टूवर्ड्स लिसनिंग टू द पर्सन, राइटिंग द केस स्टडी, ओके, बहुत सारी चीजें पूछना, दैट इज प्रोवाइडिंग मटीरियल रिलीफ इज द करेक्ट आंसर. नाउ डैश हेल्प्स टू एलिविएट स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस हटाना, ओके, स्ट्रेस को एलिमिनेट करना ड्यू टू डिजीजेस थ्रू मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर. वापिस से मैंने बोला काउंसलिंग बाद में आता है, ठीक है, साइकाइट्रिक हेल्प और रिहैबिलिटेशन नहीं, इसमें है बिहेवियर मेडिसिन हेल्प्स टू एलिविएट स्ट्रेस ड्यू टू डिजीजेस थ्रू मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर मेडिसिन. बिहेवियर मेडिसिन कुड बी एनीथिंग, ओके, विच हेल्प्स टू एलिविएट स्ट्रेस. बिहेवियर मेडिसिन कुड बी एनी एंटी डिप्रेसेंट, एनीथिंग, एंटी एंग्जाइटी लाइक दिस. Now, an emotional state that arises when a person is prevented from reaching a goal or attaining an object that he or she wants. ठीक है, stress, conflict, तो देखो stress तो हमें normally भी हो जाता है, okay? यार ये मेरा काम नहीं हुआ, stress हो गया, ठीक है, conflict हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है, okay? The best answer for this is frustration. Now, dash refers to any behavior by one person or persons that is intended to cause harm to other people, okay, intended to cause harm to other people, okay. So anger to dekho generally na gussa hota hai na khud pe, khud gussa is you know basically emerge out of us on us, right, temper nahi, temper matter karta hai. Stress to khud ka hi hoga, to aggression is the correct answer. So aggression, any behavior by one person or persons that is intended to cause harm to other people, others basically. Aggression, आप बहुत aggressive हो जाते हो, अगर आपकी tendency है कि आप बहुत aggressive tendency की हो, तो हो सकता है आप harm कर सकते हो किसी को, okay? Harming सिर्फ physical नहीं, ठीक है, वो verbal harming भी हो सकती है, right? किसी को abuse कर दिया, किसी को कुछ बुरा बोल दिया, okay? So words कुछ बुरे बोल दिए, like इसीलिए aggression, right? Now, dash refers to the behavior that makes a distinction between the rich and the poor. Distinction between the rich and the poor, yahan pe distinction ka matlab kya hai? Distinction ka matlab hai difference. Theek hai? Dash refers to the behavior that makes a difference between the rich and the poor, favoring the rich and the advantaged over the poor and the disadvantaged. To distinction ka to maine aapko pehle hi yahan meaning likh ke dikha diya, difference, right? बायस एक अलग चीज हो जाती है, ओके, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ओके, बट बायस अलग हो जाता है. क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं. तो बायस और डिस्क्रिमिनेशन में से हम किसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, पुअर और रिच के बीच में करते हैं, ठीक है, हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंस करते हैं या डिस्टिंक्शन करते हैं, ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है. अब डैश अज्यूम्स दैट द फिजिकल एनवायरमेंट हैज मिनिमल और नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, डैश अज्यूम्स दैट द फिजिकल एनवायरमेंट. अब मेरी एक बात सुनो, हम जब कीवर्ड्स मार्क कर रहे हैं, मैं क्यों कीवर्ड्स मार्क करने का बोल रही हूँ, वो इसीलिए बोल रही हूँ
क्योंकि मिनिमल, अब यहाँ पे मिनिमल है, इसका इसका आंसर एक्चुअली मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, आपको पता है। द मोमेंट यू मार्क दिस यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक मार्क तो मिल गया, राइट। इसीलिए मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव। सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन, डैश इंक्लूड्स बोथ एक्शंस दैट आर मेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन तो भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है। आप इमोशन रेगुलेशन भी बोल सकते हो उस चीज को, तो ये तो होगा नहीं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की अवेयरनेस होना कि यू नो हाउ आई कैन एक्ट, हाउ आई कैन रिएक्ट इन वेरियस सिचुएशन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रो सोशल बिहेवियर एज इन यू नो बिहेविंग प्रॉपरली विद द सोसाइटी, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अच्छे से बिहेव करना, सोसाइटी एज इन पियर्स, घर पे रिलेटिव्स एंड ऑल। अब एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड टू प्रमोट द हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है। तो प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। वापस से कीवर्ड्स मार्क करें, यू हैव गॉट द आंसर इन द क्वेश्चन, राइट। नाउ Which among the following are the causes of aggression? ठीक है, यहाँ पे aggression के causes की बात हो रही है कि aggression क्यों होता है, ठीक है। पहला लिखा है inborn tendency, दूसरा लिखा है physiological mechanism, तीसरा लिखा है child rearing। inborn tendency मतलब एक hereditary, ठीक है, हेरिडिटी की बात आ जाती है, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस की या जीन्स की बात आ जाती है, ओके। तो हो सकता है इससे भी अग्रेशन, बिल्कुल हो सकता है, यू कैरिंग दोज जीन्स, राइट। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स डेफिनेटली, सर्टेन चेंज ऑफ हॉर्मोन्स और द केमिकल्स इन द ब्रेन, ठीक है, इससे भी अग्रेशन होता है। फिजियोलॉजिकल तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता है, अब हमें गुस्सा आने लगता है, ठीक है। बहुत से लोगों को धूप में, जैसे इफ यू आस्क मी आई हेट धूप, ओके। धूप में जाने से दिमाग ही खराब हो जाता है, जैसे ही पता चलता है कि धूप में कहीं जाना है ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, राइट। जैसे ही पता चलता है कि यार एक अच्छा सा यू नो देयर इज अ गुड वेदर, तो यू फील गुड ऑटोमेटिकली। सो यस, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से भी अग्रेशन होता है। चाइल्ड रियरिंग से डेफिनेटली, हाउ द चाइल्ड हैज बीन रेज्ड बाय द पेरेंट, ओके। एज इन इज द चाइल्ड बीइंग रेज्ड बाय यू नो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, या तो क्या वो पेरेंट्स दिन भर लड़ते रहते हैं, क्या वो पेरेंट्स चाइल्ड के पास होते ही नहीं है। तो ऑल थ्री रीजंस यू नो आर द कॉजेस ऑफ अग्रेशन। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। नाउ डैश रेफर्स टू द व्यू ऑफ द एनवायरमेंट एज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड रादर देन एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, व्यू ऑफ द एनवायरमेंट एज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, ओके, रादर देन बींग एक्सप्लॉइटेड। वेरी कॉमन, देखो एम्पथी, कंपैशन और नॉन जजमेंट क्या होते हैं ना, ये पिलर्स होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव व्हाई इज द राइट आंसर, बिकॉज यू नो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वैल्यूज, बिलीव्स, ईच अदर, नो मैटर व्हाट द पर्सन बिलोंग्स टू, विच कास्ट, विच रिलीजन, विच क्रीड, दिस, इसीलिए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। नाउ डैश लीड्स टू द लोअर्ड परफॉर्मेंस ऑन डिफिकल्ट टास्क दैट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन मेमोरी एंड द इमोशनल स्टेट। लोअर्ड परफॉर्मेंस, प्रो सोशल तो हो नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। लोअर्ड परफॉर्मेंस ऑन डिफिकल्ट टास्क दैट इन्वॉल्व कॉग्निटिव, एज इन यू नो आपके दिमाग में जब बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ होती है बहुत सारी चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। न्यूरोसाइंस वैसे भी कहता है मल्टीटास्किंग इज नॉट मेड फॉर अस, बट स्टिल वी टेंड टू यू नो मल्टीटास्क मेनी अ टाइम्स, तो इसीलिए क्राउडिंग हो जाती है, राइट। तो क्राउडिंग इज द करेक्ट आंसर, जब क्राउडिंग होती है यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट, राइट। सो विद दिस we come to an end of our chapter 8 and its most probable MCQs. I will be back with the last chapter, the 9th chapter of psychology very soon. Till then, stay safe and all the very best for your exams. Thank you so much.